हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी 1D मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे लेवल की हैं। उनमें कई बातें आप लोगों को बताई गई हैं। होप सो कि आप लोगों को सभी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में ये है। आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे और कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कंडीशन है क्या स्टूडेंट। देखो भाई, कंडीशन में हमें ये कहा गया है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस एल विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड देन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी a further distance 2L, finally it comes to rest after moving a further distance 4L, ठीक है। देखो बच्चों, पूरी प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है, प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ ली है। मैं आइए अब आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है और क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, कैसे हम प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट ए हम लोगों को दिया है और ये कहा कि यहाँ जो बॉडी है या जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। बच्चों यहाँ का पार्टिकल हमारा रेस्ट में है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं बी पॉइंट पर, बी से हम लोग पहुँचते हैं सी पॉइंट पर, और सी से हम लोग बोलते हैं डी पॉइंट पर, और फाइनली आ जाते हैं रेस्ट में। यानी हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल हमारे पास में है उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है और फाइनली चलने के बाद वो आ भी जाएगा रेस्ट में। यानी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और थोड़ा सा चलने के बाद में वो फाइनली रेस्ट में ही आ जाता है बच्चों। चलिए अब बनाते हैं प्रॉब्लम को। देखिए रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं ये कहूँगा बच्चों कि ये डिस्टेंस मुझे दी गई है L, ये डिस्टेंस मुझे दी गई है 2L, और ये डिस्टेंस मुझे दी गई है 4L। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती है बच्चों। यानी हमने चलना स्टार्ट किया ज़ीरो से और हमारी जो स्पीड है वो ज़ीरो से बढ़ना स्टार्ट हो गई, एक्सेलरेशन हो रहा है और जीरो से बढ़ते बढ़ते पहुंच गई वी पर। समझ आ रही बात? पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो से बढ़कर वी हो गई है बच्चों, और बी पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो वी है। अब हम क्या करेंगे जरा समझिएगा, बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी पूरी तरीके से कांस्टेंट है बच्चों। अगर बी वाले पॉइंट पर वी वेलोसिटी है तो यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी पूरी तरीके से कांस्टेंट है, और सी पॉइंट पर भी हमारी वेलोसिटी जीरो के बराबर है। सी पॉइंट पर भी बच्चों हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि जीरो से चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बी पॉइंट पर पहुंचकर मैक्सिमम हो गई। B से लेकर C के बीच में वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है और C से D तक घटकर दोबारा से हो जाती है बच्चों जीरो। कितनी हो जाती है? जीरो। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से, अगर यहां की वेलोसिटी जीरो है और यहां की वेलोसिटी V है, ये V मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि वेलोसिटी जीरो से बढ़कर हो गई है V, V सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर V से V और फिर V से घटकर दोबारा से जीरो। यहां वेलोसिटी है जीरो, यहां वेलोसिटी है V, तो A और B के बीच में एवरेज वेलोसिटी रहेगी V बाय टू, जीरो प्लस V डिवाइडेड बाय टू यानी V बाय टू। समझ आ रही बच्चों बात? B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है V, C पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो भी है V। हम देखना चाहते हैं कि B और C के बीच में वेलोसिटी हमारी कितनी और कैसी रहने वाली है। B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो V है, C पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो भी V है, तो हम दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करते हैं, या हम जोड़ने की जरूरत भी नहीं है यार, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी V। अब यहाँ आते हैं, C पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है V, D पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है जीरो, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी V बाय टू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी बात कि हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाली कैसे है बच्चों। यहां जीरो है, यहां V है, तो ये हो गई V बाय टू,
यहां वी, यहां भी वी, तो पूरे हिस्से में भी वी रहेगी, ये वी ये जीरो दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड किया। अब आप देखिए बच्चों, मैंने ये माना कि ए से लेकर बी तक जाने में लगता है टी वन टाइम, बी से लेकर सी तक जाने में लगता है टी टू टाइम, और सी से लेकर डी तक जाने में लगता है टी थ्री टाइम। अब हम वैल्यू निकालते हैं, जरा देखिए, अगर हम सबसे पहले टी वन की वैल्यू निकालें, टी वन कहां से कहां तक का टाइम है, टी वन है ए से लेकर बी तक जाने में इतना टाइम लगेगा टी वन। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस है एल, एवरेज स्पीड है ये हो जाएगा अपने पास में 12 अपॉन वी, यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में टी वन टाइम लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 12 अपॉन वी। अब हम लोग लेते हैं टी टू वैल्यू, टी टू कितना होगा बच्चों, जरा देखो बी और सी के बीच का जो गैप है वो है 12, एवरेज स्पीड है वी, डिस्टेंस हो गई है 12, एवरेज स्पीड हो गई है वी, तो बी से लेकर सी तक जाने में लगेगा टी टू टाइम, और ये हो गया है अपने पास में 12 अपॉन वी। अगेन ये भी 12 अपॉन वी बच्चों, ये भी 12 अपॉन वी क्यों हुआ, क्योंकि बी और सी के बीच का गैप है 12 और एवरेज स्पीड है वी, यहां से लेकर यहां तक जाने में लगता है टी टू टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइनली हम लोग निकालते हैं टी थ्री की वैल्यू, टी थ्री देखिए अपने पास में क्या बनेगा, टी थ्री क्या है, सी से लेकर डी तक जाने में टी थ्री टाइम लगेगा, भाई डिस्टेंस है मेरे पास में 4L, एवरेज स्पीड है V by 2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ये बनेगा 8L upon V, this is the value of T3। अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहां एवरेज स्पीड निकाली, फिर यहां एवरेज स्पीड निकाली, फिर यहां एवरेज स्पीड निकाली, हमने कहा कि जो इसकी शुरुआत वाली स्पीड है वो जीरो से है, यहां स्पीड जीरो से बढ़कर हो गई है V, फिर V से V कांस्टेंट बिल्कुल, और फिर V से घटकर हो गई है बच्चों जीरो। समझ आ रही है सभी लोगों को बात, हमने एवरेज स्पीड निकाली, दोनों को ऐड किया, टू से डिवाइड किया, दोनों को ऐड किया, टू से डिवाइड किया, तो V ही आएगा, दोनों को ऐड किया, टू से डिवाइड किया, देखना चाहते हैं कि यहां से लेकर यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, यहां से लेकर यहां तक जाने में इतना टाइम, तीनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। अब हमने टाइम क्यों निकाला है बच्चों, इसके पीछे एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट रीजन है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या है v, क्योंकि हमारी स्पीड जीरो से बढ़कर v हो गई, फिर v से v ही रहती है और फिर v से घटकर हो जाती है जीरो, यानी v हमारे पास में मैक्सिमम स्पीड है बच्चों थ्रू आउट द होल जर्नी, पूरी जर्नी में अगर कोई स्पीड सबसे ज्यादा है बच्चों वो है हमारे पास में v। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, एल प्लस 12 प्लस 4L, टोटल टाइम कितना हुआ जरा ये देखिए, टोटल टाइम हुआ 12 अपॉन वी प्लस 12 अपॉन वी प्लस 8L अपॉन वी, ये हमारे पास में टोटल टाइम हो गया, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस 4L, यहां से यहां जाने का टाइम T1 इतना है मैं पहले ही निकाल चुका हूं, यहां से यहां जाने का टाइम T2 इतना है मैं पहले ही निकाल चुका हूं, और ये टाइम मेरे पास में T3, L को मैं यहां से कॉमन लूंगा बच्चों, और L को यहां से कॉमन लूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, देखिए रिजल्ट मेरे पास में क्या बनेगा, रिजल्ट मेरे पास में बनेगा 7, 8, 2 एंड 2, 12 अपॉन वी, वी की मल्टीप्लाई ऊपर, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 7/12 इंटू वी। अगर मैं वी को इसके अपॉन में ले जाऊं तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 7/12, ये सिचुएशन हमारे पूरे सामने होने वाली है बच्चों, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, कैसे बनाया, एक एक स्टेप के ऊपर आप अच्छे से गौर करें बच्चों कि भाई कैसे हमने प्रॉब्लम को बनाया है।